गुरु तुम हो ज्ञानी ज्ञान के दाता मुनि गुरुवर को करके प्रणाम गाऊं मैं सुबह शाम तुलक सागर एक नाम है। विशेष प्रकार का अभिधान विशेष प्रकार का अनुष्ठान वह विधान होता। यह नैमित्तिक पूजा है। मंदिर में जो सुबह की है वह नित्य पूजा है। ये नैमित्तिक पूजा है, किसी ना किसी निमित्त से यह पूजन की जाती है। और यह शांतिनाद विधान सबसे ज़्यादा लोकप्रिय है जैन समाज में। पूरे हिंदुस्तान में कोई और विधान होते होंगे या नहीं होते होंगे, पर शांतिनाथ विधान पूरे हिंदुस्तान में सब के यहाँ होते हैं। और प्रायः जितने लोग यहाँ बैठे हैं सब ने कर भी रखे होंगे। बहुत लोकप्रिय, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है इसके अर्घ, इसकी भावनाएं। और कुछ त्यौहार ऐतिहासिक होते हैं, कुछ त्यौहार अनादि निधन होते हैं, कुछ त्यौहार किसी घटना को लेकर जुड़े होते हैं। तो यह शांतिनाथ विधान भी एक घटना से जुड़ा हुआ विधान है। इस भरत क्षेत्र के आर्यखंड में मथुरा नाम की एक नगरी है। कहाँ है मथुरा? नहीं मालूम? यूपी में, आगरा के पास है ना? मथुरा नाम की एक नगरी है। वहां क्या हुआ है, किसको निर्वाण हुआ है? जम्बू स्वामी, अंतिम केवली जम्बू स्वामी को पूरे उत्तर प्रदेश में एक ही निर्वाण क्षेत्र है बस, पूरे यूपी में जम्बू स्वामी का मथुरा। जन्म भूमियां बहुत हैं, कल्याणक भूमियां बहुत हैं। जितना जन्म तीर्थंकरों का उत्तर प्रदेश में हुआ उतना किसी का भी जन्म नहीं हुआ। सारे अवतार पुरुष महापुरुष तीर्थंकर पुरुषों का जन्म उत्तर प्रदेश में होता है, समझ, यूपी। वहां पे जन्म कल्याणक भूमियां हैं, दीक्षा कल्याणक भूमियां हैं, पारणा है, समोसरण का विहार हुआ है उस तरफ। कितने लोग जवान जवान लोग भी दुनिया से विदा हो गए चले। ऐसा ही महामारी फैला दी, ऐसा ही कोई प्रकोप फैला दिया पूरी मथुरा नगरी में, त्राहिमाम 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 होने लगा। लोग भागने लगे नगर को छोड़ छोड़कर, और वहां का जो शासक था वह भी नगर को छोड़ करके भाग गया। अभी अफगान में भागा ना, अफगानिस्तान में तालिबान के डर से वहां का राष्ट्रपति भाग गया। वैसे इस महामारी के डर से वहां का शासक भी भाग गया। पूरी मथुरा नगरी सूनी सूनी हो गई। जहां देखो वहां मृत्यु है, जहां देखो वहां चिताएं जल रही हैं, जहां देखो वहां महामारी मची हुई है। इसका नजारा अपन कोरोना के माध्यम से देख चुके हैं। चिताओं को जलाने के लिए भी शमशान में स्थान नहीं बचा, लाशों को दफनाने के लिए कब्रिस्तान में भी स्थान नहीं बचा। एक ही चिता पर कई कई लाशें जलाई गई। ये अपन ने ज्यादा दूर नहीं हुआ, अभी पिछले साल देखा है सब प्रकोप। ऐसा कोई घर नहीं बचे ज्यादातर कि जिन घर में एक ना एक अर्थी ना उठती। मेरा बन कर गई, सब भाग गए। वहां का एक नगर सेठ था, सुमति नाम का जैन सेठ था। वह बहुत दिनों से बाहर गया था विदेश में। वह लौट करके आता है, क्या देखता है, मथुरा नगरी में बादल छा रहे हैं, पानी बरस रहा है। बड़ा खुश हुआ कि भाई लोग कह रहे थे यहां महामारी है, सूखा पड़ रहा है, लोग भूख से मर रहे हैं, लेकिन यहां तो पानी की बौछार हो रही है। बड़ा खुश हुआ। जैसे ही नगरी में पहुंचा मथुरा में, क्या देखता है, कोई भी आदमी वहां दिखाई। अरे उसने कहा ये क्या हो गया,
कोई भी दिखाई यहां देता नहीं। पूरी नगरी उजड़ गई है, वीरान हो गई है, पूरा शमशान का माहौल हो गया। वह भगवान की वंदना करने के लिए मंदिर में गया। उस मंदिर में जाकर उसने भगवान की वंदना की, भक्ति की, अभिषेक किया और उसी समय वहां पर सप्तऋषियों का आगमन हो गया। आज भी वहां सप्तऋषियों की मथुरा में मूर्तियां विराजमान हैं। सप्तऋषि चारण रिद्धिधारी, चतुर्थ काल की घटना, और वहां आकर के वह मुनिराज जब जैसे ही वहां विराजमान होते हैं, आकाश से उतर करके जब नीचे आते हैं, सेठ की आंखें छल छल आ गई। सेठ ने देखा सात दिगंबर मुनिराज आकाश से उतर करके नीचे चले आ रहे, जिनाले की तरफ चले आ रहे हैं। सेठ गया, मुनियों की वंदना की, मुनियों की भक्ति की, मुनियों की आराधना की, आंख में आंसू भर करके बोले कि हे महामुनिराज, मेरी नगरी क्यों उजड़ गई, यहां तो कोई बचा ही नहीं है, ये देवी प्रकोप है, क्या वजह है कि मेरी नगरी पूरी शमशान हो गई है, पूरा मथुरा उजड़ गया। मुनिराज ने कहा कि धैर्य रखो। उन्होंने कहा कि महाराज हमको कुछ उपाय बताओ, क्योंकि जब भी कोई श्रावक जाता है ना गुरुओं के पास, भगवान के पास, जिनेंद्र के पास, तो अपने दुख से मुक्ति की प्रार्थना करता है। क्यों करता है दुख से मुक्ति की प्रार्थना? क्योंकि संसार में कोई सुखी नहीं होता, और हम लोग भी दुख से मुक्ति की प्रार्थना करते हैं। मनुष्य गति में, मनुष्य भाव में सबसे बड़ा कारण जो है वह दुख है। भगवान से जो दूर करता है वो दुख करता है। भगवादी हमारा मन अशांत है, मन दुखी है, तो हमारा भगवान की भक्ति में मन नहीं लग सकता है। इसलिए अपन भी रोज बोलते हैं दुख कहो कम्मक कहो बोही लाहो सुगई गमनम समाही मरणम जिन गुण संपत्ति। हे भगवान, सबसे पहले मेरे दुख का नाश करो। यदि दुख का नाश नहीं होगा तो मैं धर्म ध्यान नहीं कर पा। लोग कहते हैं ना कि दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे न कोई। अरे ये सब एक बातें हैं, हकीकत में देखा जाए तो दुख में ही सुमरन छूटता है, सुख में तो फिर भी हम आज तुम लोग यहां पे ध्यान में बोले नहीं, आज हम नहीं जा सकते। दुख में कौन आता है? ध्यान रखिए, जब मंद कषाय होती है ना तभी भगवान का सुमरन होता है, जब कषाय तीव्र होती है तो भगवान की भक्ति भी छूट जाया करती। कषाय मंद होना चाहिए, कषाय तीव्र उदय होगा तो आपका धर्म ध्यान में मन नहीं लग सकता है, आपका पूजा पाठ में मन नहीं लग सकता है। मुनिराज से जाकर के सेठ ने कहा कि भगवान मेरे दुखों का क्षय हो, मेरे दुख का नाश करो। मुनियों ने कहा क्या दुख है तुझे, मेरा पूरा नगर उजड़ गया, यहाँ कोई जन दिखाई नहीं देता है, ये निर्जन स्थान बन गया, जो कभी राजधानी थी यहाँ राजा भी दिखाई नहीं दे रहा है। मुनियों ने कहा चिंता मत करो, 16 दिवस का एक पक्ष आएगा। वैसे पक्ष कितने दिन का होता है? 15 दिन का एक पखवाड़ा, 15 दिन का एक पक्ष होता है। बोले हे सेठ, साल में ऐसे भी पक्ष आते हैं जो 16 दिन के हुआ करते हैं। ध्यान रखना कितने दिन का? 16 दिन का शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष भी नहीं, 16 दिन के शुक्ल पक्ष में हे सेठ, यदि तू श्रद्धा भाव के साथ शांतिनाथ भगवान की आराधना करेगा, तेरे सारे दुख के बादल छट जाएंगे, सारा दुख दूर हो जाएगा। लेकिन पूरी श्रद्धा भक्ति के साथ तू शांतिनाथ भगवान की आराधना करना। सेठ ने कहा गुरुदेव आज्ञा स्वीकार है, मैं करूंगा भगवान शांतिनाथ की भक्ति, मैं करूंगा उनकी आराधना। बोले बड़े से बड़े देव ही उनकी भक्ति से दूर भाग जाया करते हैं, कितना भी प्रकोप हो। 16 दिन के एक पक्ष में सेठ सुमति ने शांतिनाथ भगवान की यह आराधना की, तब से यह शांतिनाथ विधान चलना प्रारंभ हो गया। और उन्होंने जब आराधना की, पूरी आराधना हो गई, पूर्ण आहुति हो गई, भगवान का हवन जाप सब हो गया, कहते हैं कि सारा देव वहां से भाग जाता है घबरा कर, भगवान के मंत्र नाम का जाप सुन करके, और मथुरा नगरी फिर से हरी भरी हो जाती है, सारे शासक और प्रजा वापिस आ जाए। एक सेठ के पुरुषार्थ से ध्यान रखना,
एक धर्म पुरुष आज करता है कई को फल प्राप्त होता है। तीर्थंकर ने मोक्ष का पुरुषार्थ किया, माता को सम्मान मिला, पिता को सम्मान मिला, परिवार को सम्मान मिला। क्यों? एक धर्म करता है कितनों का कल्याण हो जाया करता है, एक दीक्षा लेता है कितनी समाज का कल्याण कर दिया करता है। दीक्षा तो एक ही लेता है, बिना यहां पे दीक्षा वाले ज्यादा दिख रहे हैं या बिना दीक्षा वाले ज्यादा दिख रहे हैं, बोलिए कौन ज्यादा दिख रहा है? एक दीक्षा लेता है कितनों को रास्ते पे लगा दिया करता है, मालूम है तुमको? 100 डिब्बे मिलकर भी एक इंजन को नहीं खींच सकते हैं, लेकिन अकेला एक इंजन 100 डिब्बों को खींच करके ले जाया करता है। ध्यान रखिए, सोचना है आपको, एक धर्मात्मा किसी घर में यदि एक धर्मात्मा पैदा हो जाए तो कहते हैं 7 पीढ़ियां उसकी तर जाया करती हैं। एक धर्मात्मा पैदा होना चाहिए, सबके सब नहीं होते हैं, एक को धर्मात्मा। श्रीमती सेठ धर्मात्मा था, एक भक्ति करता है फल कितनों को मिलता है, पूरा नगर जो उजड़ गया था फिर से बस जाया करता है। एक तीर्थ बनता है, हजारों लोगों के आस्थाओं से शीश झुक जाया करते हैं, वंदन हो जाया करता है। एक होना चाहिए, एक सुमति सेठ ने पूरे नगर को बसा दिया। ध्यान रखना, एक धर्मात्मा घर में होना बहुत जरूरी है। और इस उम्र में भी धर्म नहीं करोगे तो फिर कब अपने जीवन में धर्म करोगे? विचार करिए, आज जितने लोग सब आए हैं, बहुत से नेता हुए, बहुत से स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हुए, बहुत से लोग फांसी पर झूल गए, लेकिन एक बात ध्यान रखना, एक महात्मा गांधी जब आगे होते हैं तो पूरा देश उनके पीछे पीछे चलने लगता है। सोचना है आपको, एक करता है हजारों को लाभ हुआ करता है। और एक घर में दुष्ट पैदा हो जाए, एक घर में गलत आदमी पैदा हो जाए, उसकी सजा पूरे परिवार को मिलती है। पूरे एक अच्छे पढ़े लिखे एक सात्विक परिवार में रावण का जन्म होता है, ध्यान रखना, लेकिन एक की दुष्टता की वजह से पूरी लंका बर्बाद हो जाया करती है। एक दुर्योधन पैदा हो जाए, पूरा हस्तिनापुर तबाह हो जाया करता है। एक हो लेकिन बहुत अच्छे तरीके से, एक धर्मात्मा हमारे घर में जरूर होना चाहिए, एक आदर्श पुरुष हमारे घर में जरूर होना चाहिए, एक व्यक्तित्व तो ऐसा होना चाहिए जिसकी वजह से सारे लोग सन्मार्ग पर लग जाया करते। मैं यहां आया, यहां तीर्थ बना, मंदिर बना, मैं आया अकेला, विचार विहार कर रहा था। विचार करिए, आप सोचिए, इस धरती पर ये तीर्थ का निर्माण, इस धरती पर भगवान के अभिषेक, इस धरती पर भगवान की पूजा अर्चना आराधना, ये क्या हो रहा है? एक करता है और हम लोग सब चले जाएंगे, हमारे बाद भी हजारों हजारों जिन भक्त इस धरती पर आकर अपना कल्याण करेंगे। ध्यान रखना, हम लगा के जाते, बगीचा एक लगाता है हजारों को लाभ हुआ करता है। विचार करिए, वह पूरी मथुरा नगरी हरी भरी हो गई, धन धान से संपन्न हो गई, एक सेठ की भक्ति करने से। तो यहां हम इतने लोग बैठे हैं, ना जाने किसकी भाव शुद्ध हो जाए, किसके भाव पवित्र हो जाए, ना जाने किसके जीवन में ऐसा पुण्य आ जाए कि एक विधान करे और इतनों को उसका लाभ प्राप्त हो जाए। ये सामूहिक पुण्य होता है भगवान की भक्ति का, मालूम है? शांतिनाथ विधान, शांतिनाथ भगवान की आराधना, आचार्य वर्धमान सागर महाराज को देखा होगा, उनको सुना होगा, उनको जाना होगा, जब वे मुनि अवस्था में थे। विचार करिए, आज भी है वो महाराज, जब वे मुनि अवस्था में थे, मेरठ में चातुर्मास था उनका, गुरु के साथ थे, एक ऐसा समय आया उनकी आंखें चली गई थी, उनकी आंखों की रोशनी गायब हो गई थी, उनको दीक्षा छोड़ने का प्रसंग बन गया था कि इनकी दीक्षा छेद की जाए, क्योंकि आंख नहीं है तो इरिया समिति कैसे पालेंगे, आंख नहीं है तो ईष्णा समिति का पालन कैसे होगा, आंख नहीं है तो मुनि व्रतों का पालन कैसे होगा। महाराज को उनके गुरु ने कहा कि ऐसा करो कि आंखें नहीं है तो दीक्षा छोड़ने का प्रसंग नहीं, एक काम करो महाराज, मंदिर में बैठकर शांतिनाथ भगवान की भक्ति करो, तुम्हारी पुकार भगवान जरूर सुनेंगे। और वर्धमान सागर महाराज ने 16 पक्ष में शांतिनाथ भगवान की आराधना की, आज भी वो आचार्य हमारे सामने मौजूद है, उनकी आंखों की रोशनियां वापस। एक घटना घटी,
छत्तीसगढ़ में एक गांव है जसपुर, उस गांव में हमारे गुरुदेव आचार्य पुष्पदंत सागर महाराज का प्रवेश हुआ। और जैसे ही प्रवेश हुआ वहां पर महाराज ने कहा कि शांतिनाथ विधान करेंगे। विधान में उनकी अभिरुचि थी, शांतिनाथ विधान चल रहा है, उनकी बहुत प्रभावना हुई छत्तीसगढ़ में। एक समय वह था जब आचार्य पुष्पदंत सागर महाराज को छत्तीसगढ़ का विद्या सागर कहकर के लोग बुलाया करते थे। एक समय वह था उनका जब वह अपने युवा अवस्था में थे, मुनिराज थे, पूरे में जब धर्म की प्रभावना करते थे, छोटे छोटे से बच्चों को घरों से निकालकर दीक्षा प्रदान किया कर देते थे। 12-12 साल के लड़कों को दीक्षाएं प्रदान करने का उन्होंने सौभाग्य प्राप्त किया था। जसपुर में महाराज पहुंचे, शांतिनाथ विधान चल रहा है, पूरे नगर में खबर पहुंची कोई दिगंबर संत आए हैं इस गांव में। वहां पर एक बौद्ध भिक्षु था, वह पीड़ित था लकवा से, उसको लकवा लग गया, हाथ टेढ़ा हो गया, पैर टेढ़ा हो गया, मुंह टेढ़ा हो गया। उसे कहा कि एक काम करो, दवाई बहुत हो गई, कोई फायदा नहीं हो रहा है, यहां पर एक दिगंबर संत आए हैं, चलो उनके पास वो शायद कोई उपाय बताएं। उसने कहा मैं नहीं जाऊंगा, बौद्ध और जैन तो ऐसे रहे हैं शुरू से, मैं बौद्ध भिक्षु उनके पास जाऊंगा। बोले नहीं चलो, क्या दिक्कत है। जबरदस्ती उनको वहां के एसपी लेकर के आए, आचार्य श्री विधान करा रहे थे, शुद्ध पंचमी का त्योहार था, मां जिनवाणी का झूला झुलाया जा रहा था और आचार्य श्री विधान का उच्चारण कर रहे थे, मंत्र का उच्चारण कर रहे थे। आचार्य श्री ने देखा कि बौद्ध भिक्षु को वहां के एसपी लेकर के आए, ये कोई चतुर्थ काल की घटना नहीं, अभी की घटनाएं हैं। जैसे ही लेकर के आए, आचार्य श्री ने कहा क्या समस्या है इनको। बोले लकवा से पीड़ित है, बौद्ध भिक्षु है। तो आचार्य महाराज ने कहा कि क्या चाहते हो। बोले आशीर्वाद दो कि ये सही हो जाए। तो आचार्य श्री ने कहा मेरा आशीर्वाद तो क्या, आशीर्वाद देने वाला तो कोई और बैठा है सिंहासन पर, उनकी कृपा हो जाए तो ये ठीक हो जाएंगे। बोले क्या करें महाराज। आचार्य महाराज ने कहा भिक्षु से कि बोलो महावीर भगवान की जय, शांतिनाथ भगवान की जय। वह बोल नहीं पा रहा था। आचार्य श्री ने संगीतकार संगीत की धुन में भक्ति में झूम रहे थे लोग, श्रावक श्राविकाएं इंद्र राणी। आचार्य श्री ने उस बौद्ध भिक्षु से कहा कि आ माता का जिनवाणी, माता का पालना झुला दे, और डोर उसके हाथ में दे दी।